Good morning, students. Again, we are doing our lecture. Again, we are doing our lecture number 12. So, जहाँ तक हमने किया था बोस मॉडल वगैरह हमने बहुत काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है. और कल मैंने आपको मूविंग प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मूविंग न्यूक्लियस कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिया काफ़ी हद तरीके से. अब जो हमारी बारी है रही बेटा, देखो हम मैंने ये पहले टाइम सेविंग करने के लिए मैंने पहले दो क्वेश्चन लिख दिए जो अच्छे लेवल के हैं. तो इसमें कहता क्या, देखो नाउ आपका काम तो ये होगा कि पहले आप इन दो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें खुद से. अगर फिर भी आपसे नहीं बनता है तो देन यू कैन प्रेफर द सॉल्यूशन. ठीक है, नाउ व्हाट्स द क्वेश्चन इज, टू हाइड्रोजन एटम कोलाइड्स हेड ऑन एंड एंड्स विद जीरो काइनेटिक एनर्जी. ईच देम एमिट्स अ फोटोन विद लैम्डा 121.6 नैनोमीटर व्हिच ट्रांजिशन लीड्स टू दिस वेवलेंथ एंड हाउ फास्ट द एटम्स वर मूविंग बिफोर कोलिजन. कहने का मतलब देखो, सिनेरियो कुछ इस तरीके से है वन का, कि मान लो ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ये v वेलोसिटी से जा रहा होगा और ये हाइड्रोजन वेलोसिटी ये v वेलोसिटी से जा रहा होगा. अब आप यहाँ पे आपसे क्वेश्चन अराइज हुआ होगा, सर ये दोनों सेम वेलोसिटी से कैसे जा रहे हैं, इसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ. ठीक है, जैसे ही ये मिले कोलाइड किए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी है, इस केस में काइनेटिक एनर्जी बेटा आपकी हो चुकी है जीरो. और ईच देम एमिट्स अ फोटोन विथ वेवलेंथ 121.6 नैनोमीटर, मतलब दोनों ने कितना कितना किया 121.6 नैनोमीटर का वेवलेंथ एमिट किया, 121.6 नैनोमीटर का वेवलेंथ एमिट किया. बात समझा थोड़ा ध्यान से. अब यहां पे एक्चुअली होगा क्या, इसने एनर्जी एमिट किया मतलब पहले एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, बराबर. कहने का मतलब यह है इसने जो फोटोन एमिट किया तो मतलब तो यह है कि मान लो अगर ये हाइड्रोजन एटम है तो यहां से कई एन ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे आया होगा, इसके भी और इसके भी एन इक्वल टू वन पे ग्राउंड स्टेट में आया होगा, तभी तो ये एनर्जी एमिट कर रहा है. इसका मतलब दोनों सेम वेवलेंथ की एनर्जी एमिट कर रहा है, तो दोनों सेम वेवलेंथ, दोनों की एनर्जी भी सेम होनी चाहिए, मतलब जो फोटोन एमिट हुआ उन दोनों की एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. नाउ अब आप ऊपर देखिएगा, यहाँ पे दोनों जब एनर्जी सेम एमिट किया तो दोनों एनर्जी सेम एब्जॉर्ब भी तो किया होगा ना बेटा. जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो ग्राउंड स्टेट में दोनों में हाइड्रोजन होगा, दोनों ने सेम ट्रांजिशन किया होगा, मान लो दोनों एन तक गए होंगे, तभी तो दोनों की वेवलेंथ क्या आ रही है, सेम आ रही है. आप बात समझने की कोशिश करिए यहाँ पे, कि यहाँ पे जब 121.6 फोटोन रिलीज किया होगा मतलब दोनों का जो ट्रांजिशन होगा वो सेम हुआ होगा. इसका मतलब यह है कि जो एनर्जी इन्होंने रिलीज किया, जो सेम एनर्जी इन्होंने रिलीज किया, मतलब इन्होंने सेम एनर्जी एब्जॉर्ब भी तो किया होगा ना बेटा. तो इसका मतलब यहाँ पे जब ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, इसका मतलब दोनों की काइनेटिक एनर्जी उस केस में क्या थी, सेम थी. इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी भी क्या हो रही थी, सेम हो रही थी. तो यहाँ तक बात तो समझ में आ गई, ठीक है. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्या बोला, हाउ फास्ट द एटम्स वर मूविंग बिफोर कोलिजन. देखिए कोलिजन से पहले कितने वेलोसिटी से घूम रहा होगा, ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है. तो अब बात को समझने की कोशिश करिए यहाँ पे, कि दोनों की एनर्जी मतलब क्या, मैं इस पैकेट की एनर्जी किसके बराबर कर सकता हूँ, सोचिए. क्योंकि एनर्जी सेम रिलीज किया तो एनर्जी सेम एब्जॉर्ब किया होगा. अब ये एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी. कहने का मतलब आप सिनेरियो कुछ इस तरीके से समझिए, जब ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के पास आ रहे थे तो दोनों सेम वेलोसिटी से आ रहे थे, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कोई अदर एनर्जी थोड़ी ना आ गई. हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास कोई अदर एनर्जी का सोर्स नहीं है, तो उसने क्या किया, यही काइनेटिक एनर्जी को दोनों ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया. तभी एन इक्वल टू वन से कोई एन इक्वल टू एन स्टेट में चला गया, और जब ये आया आपस में मतलब थोड़ा और पास है, कुछ सर्टेन टाइम के बाद दोनों ने क्या किया, फोटोन रिलीज किया सेम एनर्जी का, मतलब जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वही एनर्जी रिलीज हुई. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस पार्टिकल में जो एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा. ऑब्वियस बात है, क्योंकि एनर्जी का सोर्स तो काइनेटिक एनर्जी है हाइड्रोजन में. इसका मतलब इस फोटोन में भी जो काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो फोटोन में भी एनर्जी होगा वो किसके बराबर हो रहा है, हाइड्रोजन के काइनेटिक एनर्जी के बराबर. तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका SC / लैम्डा के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर मेरा क्या हो जाएगा, SC / लैम्डा. नाउ क्योंकि मेरा लैम्डा 121.6 नैनोमीटर है तो मैं क्या कर सकता हूं, 1240
121.6 नैनोमीटर, मतलब 10^-9 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। इसका मतलब हाफ एम वी स्क्वायर एम। अब देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लेना आपको, कहीं आप आपको पुरानी आदत होगी कि मैं फोटोन के क्वेश्चन करा रहा था तो आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहे थे, तो वो गलती मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है इसलिए मैं यहाँ क्या यूज करूंगा, 1 AMU, 1 AMU। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ठीक है, लेकिन जो 1 एटॉमिक मास होता है वो 6.023 × 10^23 एटम के लिए होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम लिया था, एक हाइड्रोजन एटम का वैल्यू होगा 1 AMU, जिसको हम लोग केजी में लिखते हैं 1.67 × 10^-27 V², ठीक है, ये हो जाएगा बराबर 1240 / 121.6 × 10^-9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.602 × 10^-19। यहां से आप क्या कर सकते हो, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आप निकाल सकते हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन था, आई बात समझ में है, तो एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, बस थोड़े हमें दिमाग लगाना था, थोड़ा सोचना था कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन की बेटा, तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या बोला कि अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को हमेशा समझिए, प्रोटॉन मतलब एक प्रोटॉन कैप्चर्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन हुज काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एंड फॉर्म्स अ एच एटम ऑफ लोवेस्ट एनर्जी लेवल। इफ ए प्रोटॉन इज एमिटेड इन द प्रोसेस व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। ए प्रोटॉन, हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी कितना होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है, एक प्रोटॉन है उसके पास, उसने क्या किया फ्री इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, मान लो कोई यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको कैप्चर किया जिसका काइनेटिक एनर्जी उसने ऑलरेडी बोला हुआ है जीरो है, और क्या बोल रहा है कि फॉर्म्स अ हाइड्रोजन एटम ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। लोवेस्ट एनर्जी कैसे हो सकती है, n=1 पे, मतलब उसने कैप्चर किया और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया n=1 पे। सपोज करो काइनेटिक एनर्जी जीरो है वहां पे, तो मैं मान लेता हूँ ये इलेक्ट्रॉन कहीं n=∞ पे होगा, तो x का मतलब आपको याद होगा, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ गया, याद करिए जो मैंने आपको प्रीवियसली पढ़ाया था, हाँ राइट, वेरी गुड। n=1 से n=∞ जाने के लिए अगर मुझे आइनेशन एनर्जी होती है, तो n=∞ से n=1 भी तो आइनेशन एनर्जी होगी ना, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो प्रोटॉन, इफ अ प्रोटॉन इज एमिटेड इन दिस प्रोसेस, ओके, now what is the wavelength, ionization energy mere kya hoti hai 13.6 Z² to z to already one hai to 13.6 electron volt, aur kya kar sakte ho isko wavelength ke form mein kar sakte ho, to 13.6 1240 lambda electron volt, to yahan se nikal sakte hain। acha bete ek baat aur ye hai, yahan pe ek question aur usne bola tha ki is previous question mein ek part chhut gaya mera ki which transition leads to this wavelength, तो I hope so ये कर लोगे, क्योंकि 1/λ RH/Z² 1/N1² - 1/N2² तो N1 मेरा 1 हो जाएगा, लैम्डा आपको पता है, RH पता है, Z पता ही है, तो N2 obviously बात निकाल लोगे, तो अब ये छोटा क्वेश्चन था, ठीक है, तो यहाँ तक बातें बच्चों क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब जो हम थोड़ा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा मेरा नया कॉन्सेप्ट है वो, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें कई बार जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा, बहुत बार नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। वेव पार्टिकल, सॉरी वेव नेचर ऑफ ए पार्टिकल, वेव नेचर ऑफ ए पार्टिकल, एक्चुअली ये दिया हुआ था डी ब्रोगली ने, किसने दिया था, डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट था ये। अब कहता क्या है देखो, ठीक है, मान लो कोई ये वेल पार्टिकल है, ठीक है, ये मूवमेंट इसका मास एम है और ये वेलोसिटी वी है। अगर ये कोई पार्टिकल है जिसका मास m और वेलोसिटी v से मूवमेंट कर रहा है, तो
तो मैं इसी को ऐसा मानता हूं कि ये वेव के फॉर्म में जा रहा है। किस फॉर्म में जा रहा है? वेव के फॉर्म में, विद द सेम वेलोसिटी, विद द सेम वेलोसिटी। तो हम इसको बोल सकते हैं कि इस ये पार्टिकल का वेव नेचर है। एक्चुअली बात समझो, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, आपको याद होगा कि मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया था, याद है? उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने आपको क्या समझाया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है वो दोनों नेचर शो करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दोनों नेचर शो करता है, वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है, वो वेव नेचर भी शो करता है। वेव नेचर का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्लैंक्स क्वांटम से दिया था, और पार्टिकल नेचर का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था कि भैया एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मेटल के ऊपर टकरा रहा है तो वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, मतलब मोमेंटम ट्रांसफर हो रही है, और मोमेंटम ट्रांसफर हमेशा पार्टिकल नेचर में करते हैं, राइट? आपको जहां तक याद होगा। अब बात यहां पे ये आ रही है कि सर आप यहां पे भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्या? मैं इस पार्टिकल को मैंने वेव माना, मतलब बात थोड़ा समझिएगा, डोंट मिक्स बोथ कॉन्सेप्ट्स कि ये पार्टिकल वेव नेचर शो कर रहा है, बट ये पार्टिकल कौन से पार्टिकल है? ये पार्टिकल मेरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स मेरे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है डी ब्रोगली का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मत लगाइएगा। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि ये मतलब भैया कोई पार्टिकल है, वेलोसिटी भी है, मान लो वेवलेंथ लैम्डा, मैं मान लेता हूँ इसका, तो एससी बाय लैम्डा से आप इसका वेवलेंथ निकाल सकते हो, गलत हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। क्यों? डी ब्रोगली का सिंपल ये मानना था कि जो उसका जो कॉन्सेप्ट था सिर्फ और सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर लगता है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप इवन तो क्रिकेट बॉल पे भी नहीं लगा सकते ये कॉन्सेप्ट, ठीक है? मतलब बहुत लाइटर मास के ऊपर ही ये वैलिड होता है। आई बात समझ में, ठीक है? अब ये वेवलेंथ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ में कुछ बातें का डिफरेंस है, ठीक है? तो मैं लिख देता हूं, व्हेनेवर एनी पार्टिकल इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी वी, इट कैन बी considered as wave, ठीक है? अब दूसरी बात क्या है, ये वेव में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, लाइक मतलब दे आर नॉट इंटररिलेटेड, मतलब एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल है, मतलब दोनों में कोई नेचर ही नहीं। क्यों मैं आपको इसलिए मना कर रहा था बेटा कि यहाँ पे आप एस सी बाई लैम्डा नहीं लगा सकते इस वेव में, इसका एक रीजन है। सबसे पहला रीजन, दे आर नॉट एनर्जी कैरियर, they are not energy carrier. Second bar, they remain where the particle remain. मतलब ये वहीं पे रहेगा जहां पे पार्टिकल रहेगा, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं, जैसे यहाँ पे हीट रखा तो आपको यहाँ से हीट मिल रहा है, ऐसा नहीं, क्योंकि वो तो 3D, वो तो कहीं से भी एनर्जी कैरियर है और थ्री डायमेंशन में मूव कर सकता है, लेकिन ये वही मूवमेंट करेगा जहां पार्टिकल मूवमेंट करे, और जब पार्टिकल रुक गया तो वेव भी रुक जाएगा। तो ये वो डी ब्रोगली वेवलेंथ था, तो इसी लैम्डा को उसने डी ब्रोगली वेवलेंथ बोला, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है? और दे आर नॉट propagated in 3D space. They are not propagated in 3D space. Okay? तो आपको यहां तक बात समझ में आ गई कि क्या क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में और मतलब डी ब्रोगली वेव्स में, तो आपको पार्टिकल वेव में, तो आप किसी भी पार्टिकल को वेव मान सकते हो, लेकिन उनमें तीन बातें आपको कभी नहीं मिलेंगी। एक तो वो 3D स्पेस में नहीं जाता है, आपको याद होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो मैंने आपको ग्राफ बताया था, याद है आपको, तीन डायमेंशन में वो मूव कर सकता है, बट ये पार्टिकल जो ये जो वेव होगा ये 3 डायमेंशन मूव नहीं कर सकता है। दे आर नॉट एनर्जी कैरियर्स, सबसे सेकंड बात हो जाती है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है ये वहीं पे रहेंगे जहां पार्टिकल रहेगा, मतलब इनका डायरेक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल का डायरेक्शन सेम होता है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से नहीं होता। जब पार्टिकल अगर
मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होते तो उनके परपेंडिकुलर जाता हूँ, तो ये शायद मैंने आपको सारी चीजें बता रखी है। तो दिस इज ओवरऑल व्हाट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट चीज की, तो मैं एक पॉइंट और लिख देता हूं कि दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड, दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड ओनली फॉर फंडामेंटल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बात समझना। अब ये क्वेश्चन पहचानोगे कैसे कि भैया डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको लगानी कब है, जब इलेक्ट्रॉन का या किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल का उसने वेवलेंथ पूछा, तो डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट किसका लगाना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का लगाना, ठीक है। अब डी ब्रॉगली ने क्या किया, इसको फोटोन के ऊपर अप्लाई किया, किसके ऊपर अप्लाई किया, फोटोन के ऊपर। कैसे अप्लाई किया समझो, फोटोन एक पार्टिकल नेचर भी और एक वेव नेचर भी है, ठीक है। ये आपको मैंने पहले बताया, क्योंकि पार्टिकल नेचर मैंने प्रूफ किया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, और वेव नेचर हमने प्रूफ किया था उसको किसमें, वेरी गुड, किसमें, प्लैंक्स क्वांटम में। तो आपको याद होगा पार्टिकल नेचर में जब मैंने शो किया था, तो अगर पार्टिकल नेचर की जो एनर्जी होगी वो किस तरीके से होती है, mc स्क्वायर होती है इक्वल टू mc स्क्वायर फोटोन की, और वही अगर वेव नेचर की होती है hc / लैम्डा। तो इस तरीके से हमने देखा था c और c कैंसिल। तो आप क्या देख रहे हो, m into c क्या दे रहा है आपको, एक मोमेंटम दे रहा है, राइट। m into c मोमेंटम है, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, h upon p, where p is मोमेंटम, where p is मोमेंटम। तो यहां तक आपको बात समझ, दिस इज नथिंग बट डी ब्रॉगली इक्वेशन, दिस इज called as de Broglie equation। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी बेटा कि इसको क्या कहते हैं, de Broglie क्यों यूज किया जाता है, ये सब चीजें हमको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब एक्चुअली de Broglie का जो कॉन्सेप्ट था वो बोर्स में अच्छा खासा वैलिड करता है। कैसे वैलिड करता, समझिए बात को, आपको याद होगा, चलो इसको अच्छे से डी ब्रॉगली का क्या माना था कि मान लो एक हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m और वेलोसिटी v से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। डी ब्रॉगली का सॉरी ये बोर का मानना था, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पाथ पे घूमेगा अपने, ठीक है, इस तरीके से अपने कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से। ये सब हमने ब्ला ब्ला ये सब सारी बातें हमने बोर्स में पढ़ रखी अच्छे से। अब डी ब्रॉगली ने क्या किया भैया, ठीक है, ये पार्टिकल नेचर है। आपको याद होगा कि जब मैंने बोर्स एटॉमिक मॉडल आपको पढ़ाया था, तो याद है मैंने आपको बताया था, जब बोर्स ने अपना ये कॉन्सेप्ट दिया था, जब उसने अपना एटॉमिक मॉडल का कॉन्सेप्ट निकाला था, तो उसने mvr = nh / 2 pi का कॉन्सेप्ट नहीं बता पाया था, मतलब ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट, बोलो बस बोला था कि ये होता है बोर्स क्वांटाइजेशन, बट क्यों होता है ये नहीं बता पाया। उसका रीजन उसने ये डी ब्रॉगली ने किया था, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक पार्टिकल मान के चला था। डी ब्रॉगली ने इसको वेव नेचर, वेव डी ब्रॉगली ने ये माना कि इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर शो कर सकता है। तो उसने क्या किया कि भैया मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको इस तरीके से मानता हूँ कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो वो कुछ इस तरीके से मूवमेंट करेगा, वो किस क्या करेगा, इस तरीके से मूवमेंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट अराइज होता है, क्योंकि देखो अब यहाँ पे ऐसा हो गया ना कि यहाँ का जो हेड है उसके टेल के साथ मिक्स हो गया, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वेव इज इन फेज, वेव इज इन फेज। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि मान लो ऐसे है और ऐसे 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 गया और ऐसे चला गया, मतलब यहाँ पे हेड टेल के साथ नहीं मिला, इसका मतलब वेव इज नॉट इन फेज, वेव इज नॉट इन फेज। समझो बात को बेटा ध्यान से।
वेव इज नॉट इन फेज और वेव इज इन फेज, ठीक है। इस पहले वाले कंडीशन का बोस ने तो ये एक्सप्लेनेशन दिया कि मान लो अगर ऐसा होता है तो जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे आके वो खत्म हो रहा, मतलब आपको भी पता होगा कि बोर ने ऑलरेडी ये बताया था अगर कोई इलेक्ट्रॉन है पर्टिकुलर ऑर्बिट पे पर्टिकुलर एनर्जी के साथ घूमता है, ये तो बात आप मानते हो कि वो तब तक दूसरे ऑर्बिट से या हायर से लोअर पे नहीं जाएगा या लोअर से हायर पे तब तक नहीं जाएगा जब तक उसको कोई एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं कर पाए। इसका मतलब ये होगा कि ये तब तक इसी ऑर्बिट पे, इसी को हम ट्रैजेक्टरी पाथ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रैजेक्टरी पाथ, ये ट्रैजेक्टरी पाथ पे ही घूमते रहेगा और ये बात वैलिड भी हो रही है। लेकिन क्या ये यहाँ पे वैलिड हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ये बात एक्सेप्टेबल नहीं थी, ठीक है। हालांकि उसने दोनों कंडीशन बताई थी कि ऐसा भी हो सकता है बट ऐसा भी, तो बट इसका उसने ये रीजन था कि ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? आप देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है घूम रहा बट वो क्या हो रहा है, आउटर ऑर्बिट में चला जा रहा है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन तब तक अपने ऑर्बिट में घूमता है जब तक वो एनर्जी एब्जॉर्ब या एनर्जी रिलीज नहीं कर दे, अदरवाइज ही इस तरीके से वेव के ऊपर वेव बनाते जाता है। समझ में आए, ठीक है, ठीक है। नाउ यहाँ का भी कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज करो ये यहां से यहां एक लैम्डा है, कितना लैम्डा है, 1 लैम्डा है, तो उसने ये बताया कि जितना लैम्डा उतना नंबर का ऑर्बिट होगा, जितना लैम्डा उतने नंबर का ऑर्बिट। कैसे? क्योंकि अगर मैं इसका पैरिमीटर जो 2πr है उसको मैं किसके बराबर कर दूं, एल लैम्डा के बराबर कर दूं, तो यहां से मेरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैसे? क्योंकि देखो ये जो डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस तो वेव ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पार्टिकल नेचर भी वेव नेचर भी, अगर पार्टिकल नेचर में तो मैं पैरिमीटर लूंगा सर्कल का तो 2πr होगा, इतना डिस्टेंस वो हर ऑर्बिट में ट्रेवल करेगा। और अगर वेव है तो मान लो एक वेवलेंथ, दो वेवलेंथ, तीन वेवलेंथ, चार, मतलब n टाइम्स वेवलेंथ वो कवर डिस्टेंस करता है, ठीक है। अब समझो बात को, अगर मेरा मान लो उसने क्या कहा, डी ब्रोगली ने क्या कहा, यहां से समझो, डी ब्रोगली ने ये कहा अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो वो एक वेवलेंथ में पूरा कवर हो जाता है, अगर सेकंड ऑर्बिट है तो 2 वेवलेंथ में वो पूरा ऑर्बिट कवर हो जाएगा, 3 वेवलेंथ है तो 4 ऑर्बिट में कवर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, क्वेश्चन में कभी कभी आपको ऐसा भी घुमा सकता है कि मान लो मैंने बोला यू हैव 4 वेवलेंथ मतलब क्या, 4 वेवलेंथ में पूरा ऑर्बिट कवर हो जाता है, n इक्वल टू 4। तो ये सब बातें उसने बोर डी ब्रोगली ने बताई थी, तो यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी बेटा, ठीक है। नाउ अब उसने 2 इक्वेशन दिया, 2πr बराबर एल लैम्डा, ठीक है, और लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। अगर मैं पुट करूं 2πr बराबर एन एच अपॉन एम वी, तो यहां से देखिए एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π, यहां से ये इक्वेशन प्रूफ हो जाता बोर्स क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं इट्स अ क्वाइट गुड एग्रीमेंट, with Bohr model, Bohr's model। या तो आपको बात समझ में आएगी कि मतलब ये काफी हद तक बोर्स के हर चीजों को उसने क्या कर दिया था, एक्सप्लेनेशन कर दिया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे इस तरीके से आ जाती है, जैसे और इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बन जाते हैं। कैसे? अगर मैं लैम्डा बराबर एच अपॉन पी बोल रहा हूँ और काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या होता है 1/2 mv², तो मैं क्या कर सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूँ मैं mv² और दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया m मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा क्या हो जाएगा 2mke = m²v². नाउ mv इज इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूँ √2mke, तो दिस इज नथिंग बट मोमेंटम। नाउ आवर नेक्स्ट फॉर्मूला इज लैम्डा इज इक्वल टू √h/2mke। अगर आपको किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पता है तो उस पार्टिकल का आप वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। अब यहीं पे समझे बात को एक, ठीक है, जहां तक आपको बात समझ में क्लियर आ गई होंगी। Now,
ठीक है। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है काइनेटिक एनर्जी उसके पास है या कुछ वेलोसिटी वी है, या तो उसके पास वेलोसिटी वी है या तो काइनेटिक एनर्जी ई है, और मान लो ये वी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, तो मान लो कुछ देर जाने के बाद ये रुक जाता है, कुछ देर जाने के बाद रुक जाता है, और जिस पोटेंशियल पे ये रुकता है उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं या एक्सेलरेटिव पोटेंशियल भी बोलते हैं। अगर ये रिवर्स जाए, यहाँ से एक्सेलरेट किया तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी अगेन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये मैं आपको पहले भी कवर कर चुका है तो मैं फिर से डिटेल में नहीं जाऊंगा यहाँ पे। नाउ मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यू वी लिख सकता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि चार्ज तो मेरा क्या है ई वी, तो ये वी मेरा यहाँ पे अगेन क्या है पोटेंशियल एनर्जी। नाउ अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है तो अगेन आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, टू एम ई वी। तो आप ये तीन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने होंगे बेटा, ठीक है। नाउ हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उनके ऊपर अच्छे लेवल के, ठीक है। फिर से क्वेश्चन मैं लिखूंगा लेकिन आपको अटेम्प्ट पहले खुद से करना है और बाद में मुझे, बट मैं ऐसा देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे मुझे आंसर व्हाट्सएप पे भेजते नहीं है कि सर इसका आंसर ये आया है या ये नहीं आया, जो मैंने बहुत सारे क्लास में क्वेश्चन पूछे है। सो प्लीज़ ऐसा मत करिए, प्लीज़ काइंडली कोऑपरेट करिए ताकि आपको भी मजा आए क्लास में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कैलकुलेट लैम्डा associated with an electron moving with velocity 10^6 meter per second, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, कैलकुलेट द मोमेंटम, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल हूज लैम्डा इज 3.31 × 10^-10 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ potential difference of 75 volt. Question, determine the wavelength of electron, determine the wavelength of electron emitted, determine the wavelength of electron emitted by a metal whose threshold frequency 2.25 × 10^14 hertz when exposed to light of wavelength
लाइट ऑफ 500 नैनोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज प्रोटॉन जिसका मास mp है और वेलोसिटी v है. दिस इज इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी 2v से ज्यादा और जिसका मास me है. यू हैव टू कैलकुलेट लैम्डा p अपॉन लैम्डा e. ठीक है, ये आपको बताना है मुझे. ठीक है ना, अगर आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो आई शुड राइट गिव द सॉल्यूशन. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज आवर, पहला क्वेश्चन क्या बोला, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 10^6 मीटर पर सेकंड. ठीक है बेटा, अब आगे तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. h by mv मतलब 6.6 × 10⁻³⁴ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. आप कितना लोगे, हमेशा आपको केजी में लेना है. ओके बेटा, तभी आपका लैम्डा मीटर में आएगा. तो क्या लेना आपको, मास केजी में लेना, याद रखना. 9.1 × 10⁻³⁶ वेलोसिटी कितना है 10⁻⁶. तो जो भी आपका आंसर आएगा वो मीटर में, अगर मीटर में आया तो आंसर में देखो 10⁻⁰ से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, सॉरी 10⁻⁰ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, उसको आंसर में मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, सेकंड मेरा आंसर क्या है, सेकंड देखो क्या बोल रहा है. कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल हुज वेवलेंथ इज दिस. वो बहुत आसान नहीं है आपको, फिर अगेन h अपॉन p, उसने p पूछा है तो क्या हो जाएगा मेरा बताइए, 6.6 × 10⁻³⁴ अपॉन 3.31 × 10⁻¹⁰. तो ऑब्वियसली ये 2 टाइम चला जाएगा, तो 2 × 10⁻²⁴ विल बी योर आंसर, आंसर 3. ठीक है, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 75 वोल्ट. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 75 वोल्ट दे दिया उसने ऑलरेडी. ठीक है, और ऑलरेडी इसने क्या पूछा, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ पूछा है. तो अगेन मुझे पता है डी ब्रोगली बोलेगा तो h अपॉन अंडर रूट 2 mev. तो ये मैं लिख सकता हूं यहां पे 6.625 × 10⁻³⁴ अपॉन अंडर रूट 2 9.1 × 10⁻³⁶. ओके, नाउ नेक्स्ट 1.602 × 10⁻¹⁹ × 75 कैलकुलेटेड, यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय अ मेटल हुज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज 2.25 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज व्हेन एक्सपोज्ड टू अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर. अब आपको क्लास में याद, शायद पिछले क्लास में जो भी क्लास नंबर हुआ होगा, शायद एक दो क्लास पहले मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था, याद है. तो सेम बेटा रिविजन के तौर पर मैंने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज कर लिया है. ठीक है, बहुत सारे बच्चों के ये रहता है कि सर कुछ अच्छे लेवल के डाउट हो जाए, तो ये अपने आप में अच्छे लेवल दो कॉन्सेप्ट को मिला के एक क्वेश्चन बना हुआ. ये आप देखो यहाँ पे थ्रेशोल्ड, आपको पता होगा कि एच म्यू बराबर क्या होता है, एच म्यू नॉट प्लस के ई, ये होता है मेरा. तो अगर मैं, ये मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन होता है, तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख दूं एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, तो कोई बुराई है इसमें, मुझे तो नहीं लगता कोई बुराई होगी. तो एच को अगर मैं कॉमन ले लूं तो म्यू माइनस म्यू नॉट कर सकता हूं मैं, बिल्कुल कर सकता हूं मैं. एच की वैल्यू हो जाएगी 6.625 × 10⁻¹⁴. अब फ्रीक्वेंसी उसने कितनी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी तो नहीं दी, उसने दिया हुआ नैनोमीटर, मतलब वेवलेंथ दिया हुआ है. वेवलेंथ दिया हुआ तो मैं क्या इसको 3 × 10⁸ अपॉन 500 × 10⁻¹⁹ क्या आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा बेटा यहाँ पे. तो ये चीज बंद भूलिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बेसिकली बेटा आपको क्या याद रखना पड़ेगा, यूनिट डायमेंशन को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. ओके, तो ये मेरा ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो चुका है, फ्रीक्वेंसी में, -2.25 × 10⁻¹⁴ हर्ज. ये आ जाएगा मेरा काइनेटिक एनर्जी. इफ यू गेट काइनेटिक एनर्जी तो वेवलेंथ निकालना आसान है, h अपॉन अंडर रूट 2 mke. तो यहां से जो आंसर आएगा, पुट इट हियर, यू विल गेट योर आंसर. तो आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो इससे भी ज्यादा आसान है बेटा.
नाउ एक प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन के लिए लैम्डा पी में क्या लिख सकता हूँ, एच अपॉन अंडर रूट टू, वेलोसिटी वी से जा रहा है तो अंडर रूट टू एम पी जाने दो, डायरेक्ट ऑफसेट अंडर एम पी इनटू वी, ठीक है, और लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एच अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टू वी, ठीक है, और दोनों को मैं डिवाइड कर दिया, दिस और दिस कैंसल, वी वी कैंसल, तो आपको क्या मिलेगा, टू एम ई अपॉन एम पी, तो ये नथिंग बट टू इनटू 9.1 × 10⁻³¹ अपॉन 1.67 × 10⁻²⁷, तो अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो होप सो बेटा मैंने आज जो का सेशन लिया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान भी है, तो आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट मैं फिर से बोला, नेक्स्ट से हमारा थोड़ा सा टॉपिक लेवल हाई बढ़ेगा, ठीक है, अब यहाँ से ओरिजिनल एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा कि एक्चुअल में जो लेटेस्ट डिजाइन का जो एटॉमिक मॉडल है जिसको हमने एक्सेप्ट किया, जिसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या क्वांटम मैकेनिक्स जिसको बोलते हैं, क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, वो कल हम स्टार्ट करेंगे। तो आई होप सो आप लेक्चर एंजॉय करोगे, तो प्लीज फीडबैक अपना दीजिएगा आपको जो भी लगता है, ठीक है, जो भी आपको लगता है कि सर आज ये क्वेश्चन इस अच्छे लेवल का और क्वेश्चंस कराइए, तो प्लीज गिव मी सम सजेशन ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, आई होप सो यू एंजॉय द सेशन, थैंक यू वेरी मच।